रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंट बाय द शेल एंड कैनन दिया हुआ है so, मतलब बड़ी सी, बड़ी सी so, यूज होती है तो कैनन का मास कितना दिया, दिया हुआ है पावर थ्री के जी दिया हुआ है सो इसको कैपिटल एम या फिर एम टू मान लीजिए और ये क्या है ये शेल है इसको मास एम वन मान लीजिए और ये इससे फायर किया जाता है तो ये बैरल है सो तो सो इसको क्या बोलेंगे बैरल है है कैनन का। सो कैनन का ये और ये बैरल है और ये शेल है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल क्या निकलते एंड ऑफ द बैरल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वन मान लेते हैं इसको तो वो कितनी देखें सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स जूल सो so, मैं बताना है काइनेटिक एनर्जी कैनन को कितना मिला सो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कैनन को मिला और बताना है फाइंड द द द फोर्स फोर्स बाय शेल एंड कैनन। सो हमें बताना है 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 है। रेशियो इन दोनों ने एक दूसरे कितना किया। तो फ्रेंड्स हमको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? होता so, हाफ स्क्वायर पे मास मास और mass अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर so So, अब यहां पे देखिए कि कैनन और शेल के अलावा इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको काइनेटिक एनर्जी कैनन ने ही दिया था सो एक्सटर्नल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं लग रहा है सो नो एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जो मोमेंटम इसको मिला वही मोमेंटम इसको मिलना चाहिए सो मोमेंटम ऑफ जो शेल होगा वो मोमेंटम ऑफ बैरल के इक्वल होना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग सो so, इसको मोमेंटम कितना मिलेगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर करेंगे तो हमको टू एम के लिख सकते हैं इसको तो पी स्क्वायर ऑफ शेल इज इक्वल टू पी स्क्वायर ऑफ बैरल सो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह हम लोग 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं तो 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल तो शेल का मास क्या है m1 है इज इक्वल टू 2m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैनन सो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल दिया हुआ है तो so ये कट जाएगा सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सो m1 अपॉन m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैनन तो यहाँ पे एम वन अपॉन एम टू जो है शेल का मास कितना है हंड्रेड है एम टू का मास है फाइव इंटू टेन की पावर थ्री इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल जो है वो सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स दे रखा है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैनन जो होता है वो कितना आ जाता है .5 into 10 की पावर फाइव जूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैनन मिल गया हमको अब देखिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लग रहा है सब बताना रेशियो ऑफ फोर्सेस इसने कितना एग्जर्ट किया एक दूसरे के ऊपर सो so, यहाँ पे देखिए जो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया वो क्या हुआ एक्शन हुआ सो शेल ने इसके ऊपर कैनन के ऊपर क्या लगाएगा जो फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन होगा सो so, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको क्या मिल जाता है जो फोर्स ऑफर्ड बाय शेल होगा वही फोर्स ऑफर्ड बाय कैनन होगा सो so, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा सो so, ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हैं थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीड आईआईटी आई टी जे और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर